गुरु ग्रंथ साहिब सच्च पातशाह जी दे कोलों असीस अते बख्शीश दा प्रसाद लैण आई सतसंगी प्यारियों, अदब सत्कार नाल सब तो पहला गुरु फतेह जी सांझ पाईए। प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े प्यार विच भिज के गुरु के कीर्तनीए भाई तजेंद्र सिंह जी ढोआने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार कीर्तन नूं समर्पित ने। इन्हां दे पिता जी भी बहुत वधिया कीर्तन करदे ने। अगे इन्हां बच्चियां ते भी कृपा मेरी अरदास है सतगुरु जीवन विच होर सफलता बख्शे। विचार दी आरंभता करनी चाहुंदा। मनुख ने संसार विच विचरन वास्ते हर एक चीज़ नूं कोई ना कोई नां दिता है ताकि उदी पहचान हो सके। पशुआं नूं, पंछियां नूं, आम नित दी वरतों दीयां चीज़ां नूं, इसे तरह मनुख ने समें नूं भी नाम दिता है। पहले समयां च जो धार्मिक ग्रंथां विच जिक्र आउंदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी जिक्र है, वो समय दा नां खिन, पल, बिसुए, चसियां, घड़ियां, पहरां इत्यादि। फिर हफ्ते बन जा, दिन रहन बन जाते ने, हफ्ते बन जाते ने, महीने बन जाते ने, साल बन जाते ने, सालां दियां सदियां बन जांदियां ने, सदियां दे युग बन जांदे ने। जदों मनुख दे कोल समय लई ना कोई नहीं सी, उदों गुरबाणी विच जिक्र है भी अरबद नरबद धुंधुकारा, उहदा नां अरबद नरबद आख्या। समा उहदा नां है, नां रखे हुए ने। छोटी तो छोटी इकाई नूं अज दी भाषा विच कह लईए आपां सैकंड कहने हैं, मिनट कहने हैं, घंटे कहने हैं, इस तरह अगली गिणती वधदी है। पर इस समय का ना है, मैं बार बार इस गल ते जिक्र करा। जदों कदे समय के मुताबक वह 12 महीनों का अपना सफर पूरा करके दोबारे इस साइकल नूं शुरू करता है, असी उहदा नां रख लिया 12 महीनिया तो बाद भी नवें साल की आरंभता है। साल भी असल विच 12 महीनिया के समूह का नां है। 12 महीनिया के इकट्ठ नूं असी साल कहने हैं। जदों साल नवा आरंभ हुंदा है तो साडे मन विच इक ताक हुंदी है, भई मैं गुरु चरणां विच जुड़ के साल की आरंभता करा, समय की आरंभता करा। क्यों? एक पल इत्थे रुकने, फिर आप गल अगे शुरू करांगे। याद रखियो, मनुख दे कोल सिर्फ वर्तमान है, पर बदकिस्मती है भी वर्तमान की उम्र बहुत छोटी है। मनुख दे कोल केवल वर्तमान है, ते वर्तमान की उम्र बहुत छोटी है। जेड़ी छिन, जेड़ी अख ते झमकण जिन्ना समा भी आना है, वह भविख है। जेड़ा लंघ गया वह पास्ट है, वह भूतकाल है। मनुख दे कोल तां सिर्फ इक्को छिन है जेड़ी ये बतीत कर रही है। इसे कारण करके मनुख दे कोल लम्मी बियूंत भविख दी है, लम्मी बियूंत जां बीते हुए दा जिक्र है। आपां जदों भी कदे किसे नूं पुछदे भी हाँ, चिंतित भी हुंदे हाँ, जां कदे विचार भी करदे हाँ, तां केवल भूत दी ते भविख दी करदे, वर्तमान दी कदे नहीं करदे।
सतगुरु सानू वर्तमान नू संभालण दी गल करदे ने। मनुख चिंतित सिर्फ भविख दा है, चिंता मनुख नू सिर्फ भूतकाल दी है जां भविखकाल दी है, इन वर्तमान दी नहीं है। सतगुरु कहिंदे ने वर्तमान नू संभाल, तेरा बीतिया भी चंगा हो जाना है, तेरा भविख भी चंगा हो जाना है। संभालना ते वर्तमान नू है। भाई वीर सिंह दी इक कविता कह दिया, भाई साहब कहिंदे ने, कल गई है बीत वस तो परे नसाई, पलक अजे है दूर नहीं बिच हत्थां आई, अज साडे कोल सो बिच फिकरां लाई। कहिंदे साडे कोल तां अज है, उह असीं फिकरां च लाई होई है, भूत भविख दे फिकर बिच असीं भटकने। कल भी दूर है ते बीती कल साडे तो परे चलेगी, उह साडे वस बिच कोई नहीं। वर्तमान नूं सतगुरु ने बड़ी कृपा की, कहन लगे पुत मैं तेनू एक गल दसनी चाहना है। एक गल चेता रखियो, गुरबाणी दे विचों बचन है, किड्डा प्यारा, तुसीं रोज पढ़दे हो, गुर चरण लागे दिन सुभागे। जिस दिन भी गुरु चरणा नाल लागे, दिन चंगे हो जाने ने। एक अर्ज होर करा, फिर इतों ही गल शुरू करांगा, थोड़ी एकाग्रता बना लो तो चंगा होएगा, मैनू भी ते तुहाडे लई भी। बड़ी तवज्जो दे के समझियो इस गल नूं। बाहरलियां रुत्तां समें दियां गुलाम ने, बाहरी तब्दीलियां समें दियां गुलाम ने। जनवरी तुसी जून विच नहीं लिया सकदे, जून तुसी दसंबर विच नहीं लिया सकदे, बसंत तुसी पतझड़ विच नहीं लिया सकदे, पर पतझड़ विच बसंत नहीं आ सकदी। सारी रुत्त अपने समें दे निजाम अनुसार चलदी है। अंदरूनी तब्दीली जद मर्जी कर सकदे हो, जद मर्जी अंदर नवां साल चढ़ा लो, भावें बाहर जून का महीना चलता होवे, तुसीं गुरु चरणां नाल जुड़ जाओ, तुहाडा जीवन अज तो नवां साल शुरू हो गया। गुरबाणी ने जिक्र किया, कहन लगे बाहर ते भावें पतझड़ होवे, पर जे मनुख दा अंदर जुड़िया होया ते अंदर बसंत हो सकती है। नानक तिना बसंत है, जिन घर वसिया कंत, जिन के कंत दिशापुरी से ऐनस फिरै जलंत। तू रात नूं भी रोशन कर सकना है, तू रात नूं भी रोशन कर सकना है मना, तू दिन नूं भी अंधकार बरता सकना है मना, बस तेरे अंदरूनी तब्दीली दा नां है। अंदर किते साडा जुड़ जाए गुरु दे नाल, बहुत चंगे ने जेड़े गुरु घर आउंदे ने, बहुत चंगे ने, बहुत चंगे ने, उदों भी चंगे ने जेड़े गुरु घर आके गुरु दी बची गुरु की बाणी नाल जुड़ते ने, सुनते ने। उदों भी चंगे ने जेड़े गुरबाणी नू समझते ने, उदों भी चंगे ने जेड़े गुरबाणी नू समझ के अमल करते ने। जिस दिन अमल कर लिया, यकीन करके जाने हो, उस दिन अंदर तब्दील हो जाना ते नवा साल चढ़ जाना, उस दिन साल चढ़ जाना नवा। गल ते गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापे उन्हों अपना मालिक सदा लई दिसण लग पवेगा, उहदे दिन सुभागे आ जाणगे। नानक सोई दिमस सोहा पर जित प्रब आवे चित, जित दिन विसरै पार ब्रह्म फिट भुलेरी रुत। ओही दिन सुहावड़ा बन जाना है जिस दिन मालिक दा चित आ गया। महादिवस मुहूर्त भले जिसको नदर करे, नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। जिस दिन अपना आप गुरु चरणा नाल जोड़ लिया, यकीन करके जाने हो, जीवन विच उसे दिन तब्दीली आ जानी है, उसे दिन साल चढ़ जाना है। माफ करियो, जदों भी कदे किसी ने खट्टी खट्टी है ता अंदरूनी तब्दीली नाल खट्टी है। जे अंदर तब्दील नहीं होया
ਇਹ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਰੀਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੇਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸੇ ਤਾਰੇ ਸੋਈ ਦਿਨੀ ਅਰਤਪਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਰਕ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਤਿਆਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੰਤਰ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ, ਕੀ ਜਪ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਤਪ ਕਰਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੱਟੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਥੀ ਕੱਢੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਵੱਟੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਵੱਟੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, 10 ਗ੍ਰਾਮ, 20 ਗ੍ਰਾਮ, 25 ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛਟਾਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੱਟੇ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਟੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਜਿੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੱਡਾ ਵੱਟਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੀ, ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਨਾਮ ਰਖਾਊ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ਧਨ ਇਹ ਪਾਊ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟਾ ਕਿੱਡਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਛੋਟਾ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਛੋਟਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟੋਪਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, 13 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, 13 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ,
पढ़ पढ़ गड्डिये खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। कहन लगे नानक लिख है एक गल, आ गल सी एक शब्द ने ब्रह्मदास का जीवन बदल के रख दिता। सच करके जाने शायद वह ब्रह्मदास हुंदा, ब्रह्मदास दे प्यो नू कोई नहीं जानदा, पर ब्रह्मदास ने गुरु नानक साहिब तो सिखी ले ली, बदल गया। ब्रह्मदास का अगे पुत है नारायण दास, नारायण दास का पुत है भाई आड़ू जी, भाई आड़ू जी का पुत है भाई कृपा राम। यकीन करके जाने गुरु के सिख बन के चमकौड़ की कड़ी का शहीद है भाई कृपा सिंह। जिस दिन जीवन बदल गया, नवा साल उस दिन चढ़ना है, जिहड़ी मैं बेनती कर रहा हूं, गुरु को आइए, गुरु को आके बेनती करिए। जेड़े गुरु घर दे विच भी जम्मे, गुरु घर च भी पले, पर उन्हें जीवन नहीं बदलाया, सच करके जाने हो इक्को ही गुरु दे दो पुत ने। एक लई असी रोज पढ़ने हैं भाई धन गुरु हरकृष्ण साहब जी, जिहड़ा तुहाडे दीदार कर लैंदा है वह सारे रोगों तो मुक्त हो जाता है। दूजे पासे वह राम राय है जिदे लिए अमृत छकाउण लगे कहा जाता है भी अज तो बाद राम राय के मत्थे नहीं लगना, वो राम राइया नाल नहीं वरतना। एको ही गुरु के दो पुत ने, एक ने जीवन बदला लिया, एक ने बदलाया नहीं, वह अंधकार विच रह गया, खाली का खाली रह गया। साल तक किन्ने आए किन्ने चले गए, फर्क तो कुछ भी नहीं पैना, फर्क तो प्यारे उस दिन पैना जिस दिन असी गुरु चरणों में आके बदल गए। अज कोशिश करिए एक छोटी जी गाथा कह ताकि गल पकड़ में आ जाए। एक टीचर बड़ा सियाना सी, उस तो भी पहले मैं एक गल होर कहन लगा, इतों ही शुरू करांगा गल। डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी, मैं बहुत बारी उन्हां दा जिक्र करना, तुहानूं वक्त मिलिया कदे ना कदे थोड़ा थोड़ा दो दो चार चार पन्नियां दे लेख ने, एक एक पन्ने दा लेख है, बड़ी सोहनी वो ज्ञान दी गल समझ आ जांदा है। किताब दा नाम है जिन्हां दसंदड़ियां दुरमत बंज है। बेनती करन लगा सा, उन्हें जिक्र किया, कहन लगे एक बारी मेरे पिता जी ने बचन कहा, पुत वो भी पढ़िया कर जो किताबों तो बाहर है। वो बड़े हैरान होए, कहिंदे कमाल है, जिहड़ा किताबों तो बाहर वो क्यों पढ़ना है, किताबा पढ़ के। वो कहन लगे किताबा पढ़ के की बनता है, कहन लगे किताबा पढ़ के तो बंदा विद्वान बनता है, कहन लगे जिहड़ा किताबा तो भी बाहर है ना उन्हूं पढ़ के बंदा इंसान बनता है, किताबा पढ़ के तो विद्वान बन जाता है, जिहड़ा किताबा तो भी बाहर है वह पढ़ के बंदा इंसान बनता है, समाज तो संसार तो भी बहुत कुछ सीखना पैंदा है। जिहड़ी मैं गल करन लगा सा, ये टीचर बड़ा सियाना है, हर रोज़ पढ़ाउंदा है, पर हर रोज़ उहदा सबजैक्ट भी नहीं हालांकि, पर अपनी क्लास में एक वर्ल्ड का संसार का मैप टंगदा है, संसार का नक्शा टंग देंदा है, ते वो आखरी पांच मिनट अपना टाइम लाके आखरी पांच मिनट उत्ते लाउंदा, हाथ स्टिक पकड़दा है ते पुछदा आ किहड़ा देश है फलाना, इहदा गुआंढी किहड़ा देश है, ये फलाना इहदा गुआंढी किहड़ा देश है, ये है। वो विद्यार्थियों नूं करीब रोज़ का काम है, उन्हां नूं रट ही गया। वो जदों स्टिक लाउंदा विद्यार्थी बोल पैंदे ने, अज उहने लास्ट लैसन देना है ते अज भी वह नक्शा टंगिया होया, ते अज उहने स्टिक चुके उहनूं पढ़ाउणा शुरू नहीं कीता, अज उहने नक्शा चुकिया ते पाड़ के उहने टेबल ते सुट दिता। वह नक्शा दोनों पासे दिखाया करदा सी, एक पासे दिखाउंदा सी किहड़ा देश है ते उहदा गुआंढी किहड़ा देश है, दूजे पासे मनुखी पिंजर बनिया होया सी, मनुख की तस्वीर बनी हुई सी, उहने उपाड़ के सुट दिता।
उन्हें आखिया विद्यार्थियों भी कोई है जिहड़ा नक्शा जोड़ दे, कोई एक देश जोड़ दे, कोई दो देश जोड़ दिंदा, कोई दस दे दो देश जोड़ दिंदा, कोई बारह देश जोड़ दिंदा, इदों वध नहीं। एक विद्यार्थी उठिया, उन्हें पुठे पासे तो नक्शा जोड़ना शुरू करता, जिथे बंदे का सिर सी सिर लाता, बाहां सी बाहां लातियां, धड़ सी धड़ लाता, लत्तां सी लत्तां ला दित्तियां, ते जदों दूजे पासे घुमा के देखे सारा संसार बन गया सी। वो टीचर कहन लग्या भी पुत इक्को ही इंसान बन सके बस, बाकी तो किताबें ही पढ़ते रह गए। कहन लगे पोते एक गल चेता रखी, जिस दिन बंदे ने अपने आप नूं सवार लिया बस मुश्किल है। गुरमत की सिखाउंदी है? गुरमत सिखाउंदी मैं अपने आप नूं किवें सवारना है। हरेक बंदा दूजे नूं सवारन ते लग्या होया है। एक फकीर सी, उहदे कोल एक नौजवान जाया करे, नौजवान जाके कहे बाबा मैनू ताकत दे, मैं सारी दुनिया बदल के रख दिया। फकीर कुछ ना बोलिया करे, अपने काम च लग्या रहा करे। वह पांच सत्त दस बारी आया, आखिर उन्हें आना छड्ड दिता। अधखड़ जी उम्र हुई फिर आया, बड़ा निराशा जिहा, तो बड़े प्यार नाल नमस्कार करके बैठ गया। कहना बाबा मैं गलत सां, तू एक कृपा कर, मैनू इन्नी कु ताकत दे भी मैं अपने गली मुहल्ले ते अपने परिवार नूं बदल दियां। फकीर अज भी कुछ ना बोलिया। वो दस पंद्रह बारह साल भीह साल होर बीते, तो वह अज फिर आया निराश जिहा होके। हुण दाढ़ी सफेद हो गई, तो वह बुढ़ापे जे दे विच लड़खड़ाउंदा जिहा आया, ते आके फिर नमस्कार करके बड़े टका च बैठ गया। हुण फकीर पुछदा, कहिंदा कुछ बोलिया नहीं अज? कहन लगे बाबा इन्नी कु ताकत दे दे मैं अपने आप नूं बदला लवां। कहिंदे हुण ठीक बणे है। बंदा सोचदा मैं दुनिया नूं बदला देंगा जवानी च सोचदा है, पर जब थोड़ा जिहा समा लंघदा फिर पता लगता मेरा अखा तां मेरे बच्चे भी नहीं मनदे, फिर टका च आ जाता, फिर इत्थे तक ही रहिंदा मैं अपने परिवार नूं सुधार लां। जदों परिवार कोलों भी पता लग जांदा भी इह खिन मैं कौड़े होए गए जितड़े माया भोग, फिर सोचदा भी मैं हुण अपने आप नूं सवार लवां, माला चक्कण दी कोशिश करदा। जिस दिन गुरू जी कहन लगे पहले ही अपने आप नूं गुरू कोल आ गया ना, ते गुरू पहले दिन ही कहेगा आप सवारै मैं मिलै। अपने आप नूं सवार बंदिया, आप सवारे मैं मिलें, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहें, सब जग तेरा होए। अपने आप नूं सवार ले, तेरी सोच किहो जिही है? अपने आप नूं सवार ले, तेरियां अखां की वेखदियां ने? सवार गुरु की कहिंदा, इहनूं की वेखणा चाहीदा? अखियो तकणा बाण तुहाडी, कौण कहे तुसीं तको ना? जगत तमाशा जम जम तको, तकदियां तकदियां थको ना, पर इस तक विच चेता रखियो मैलियां मूल ना होयो जे, उस दाते दे अमृत ताईं जहर बना के फको ना। कौण कहिंदा तुहानूं ना तको? तको, पर जो गुरु कहिंदा ओ वेख, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो धरी, हर बिन अबर ना देखियो कोई, है एहो जी कोई मां जिन्हों अपनी नूंह चो अपनी धी दृष्टि होवे? गुरबाणी पढ़न वाले ओ, है कोई अजिही धी जिन्हों अपनी सस विचो अपनी मां दिसे? फिर सानू बिरध आश्रम खोलण की लोड़ नहीं सी पैनी। फिर हर धी ये कहिंदी नहीं मां तेरे तो बिना मैं अधूरी हो जाऊंगी, नहीं पिता तेरे तो बिना मैं अधूरा हो जाऊंगा, तू बिरध आश्रम क्यों जाएगा, इस घर च रह, तेरी सानू बहुत लोड़ है। बदला अपने आप नूं, मना अखां नाल ओ देख जो गुरु कहिंदा है, कन्नां नाल ओ सुन जो गुरु कहिंदा है। गुरु तां कहिंदा तैनूं सुणन दी जाच आ जांदी, मैं तां बड़ियां वड्डियां वड्डियां प्राप्तियां तेरी झोली पाउणियां सी, बहुत वड्डियां प्राप्तियां तेरी झोली पाउणियां सी, तैनूं सुणन दी जाच आ जांदी। बस मैं अज ते सिर्फ दो ही बचन कहांगा। नंबर एक, पहली गल साहब कहिंदे तू अंदरों एडा अमीर हो जाएगा, हीरे मोतियां दा मालक बन जाएगा, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी, जे तू गुरु की एक सिक्ख्या नूं भी सुन लवे ना, ते तू तां अंदरों बहुत अमीर हो जाएगा। मना
क्यों भटकना फिरना। दूजी गल, मनुख दो चीज़ों तो बहुत डरता है, एक पाप तो दूजा दुख तो। साहब कहिंदे मैं ते निक्की दी गल विच तेरियां दोए नाश कर देंगा, कदे मुड़ के पैदा ही नहीं होणगियां तेरी जिंदगी च। पर तू सुनना सीख लै, नानक भगता सदा विगास। सुनिया दुख पाप का नाश, तैन सुनना भी नहीं ना आया, तैन सुनना भी नहीं आया। कितने गुरु की सिक्ख्या सुन लेंदा, सच करके जानी सवारे हुए कितने कन होंदे, ए सरवणो मेरियो सच सुनने नो पठाई। रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवण गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। अपनी गुरु नू कह मैनु सवार दे मालक। मैं बहुत वारी अर्ज करना तुहाडे चरणां विच बैठ के, डॉक्टर अखां बदला सकदा पर डॉक्टर नज़र नहीं बदला सकता। भी मेरी नज़र जड़ी मैली ना होवे चंगी हो जाए, ये ऑपरेशन कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर दिमाग की सर्जरी कर सकता पर मेरी सोच मैली खत्म हो जाए, ये सर्जरी कोई भी नहीं कर सकता। ये तो गुरु नानक करता है, उहदे कोल ताकत है। बलिहारी गुरे अपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी बार। सोच ही बदला देंदा है, वो ते सोच ही बदला देंदा है। गुरु नजरिया ही बदला देंदा है, गुरु नज़र भी बदला देंदा है। गुरु अखां दा ऑपरेशन ते कोई कर सकदा, जिन्हां दे अखां भी नहीं, गुरु ते उहनां दा भी नजरिया तब्दील कर देंदा है। आप सवार है, मना तो मूह बोलना ही सीख लै। वे तेरे नाल तो बबीहा चंगा है, तेरे नाल तो चिड़ी चंगी है जिहड़ी चौकदी है साई दा शुकर ते करदी है। तेरे नाल तो बबीहा चंगा बोलदा, खसम नू भाते जांदा है। आप सवारे बोल ही सवार लै अपने। अमृत बाणी दा बचन है, बाबा बोले पत होए, उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच कर्म बैरोए। सवार अपने आपनो, आप सवार है मैं मिले। नवा साल चढ़ जाना जिस दिन अपने आपनो सवार लिया। गुरु दसदा भी हथा नू किवें वरत, हथा नू किवें वरत गुरु दसदा। असी उवें इन्हां हथां नाल कदे परोपकार दे काम नहीं कीते, कितने इन हथा वरतन की जाच आ जाती। यकीन करके जाने कितने पैरों वाल तुरं की जाच आ जाती। चरण चलो मारू गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। बेनती करा बहुत तवज्जो दे के सुनियो जे, दुनिया विच चार तरह के लोग ने। एक ओ ने जेड़े समय नू बर्बाद करदे ने, सच करके जानियो जेड़े समय नू बर्बाद करदे ने, समा उन्हां नू बर्बाद कर देंदा है। फिर वह अखीर विच रोंदे ने, करणो हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोबत अंध। एक ओने जेड़े समय नू बर्बाद करदे ने, दूजे ओने जेड़े समय नू विशे बकारां विच लाउंदे ने। उनां दे कोल भी प्राप्ति की हुंदी है, जेहा बीजै सो लुणै, करमा संदड़ा खेत। किसे नू की दोष देना है, मना जिहो जिहा तू बीजे है कल ओह जिहा वढ़न लई तैयार हो जा। दूजी तरह दे ओ लोग ने, तीजी तरह दे ओ लोग ने जिन्हां ने ना समय नू चंगा ना माड़ा, सिर्फ उन्हां ने बतीत ही कीता है। उन्हां दा जीवन इवें दा है। सतगुरु आखते ने, कहन लगे
ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੀਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ? ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਿਟਾਈ ਆਉਣੇ ਆਪਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਤਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਟੁੱਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਾ, ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਕ ਬਾਪ ਬਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੂੰ ਨੇਕ ਪੁੱਤ ਬਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਕ ਪਤੀ ਬਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਕ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਮਨਾ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਵਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਵਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਗੁਆਚਿਆ ਧਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਆਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਮੈਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਤਦ ਵੀ ਜਾਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਤਦ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਮੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਟੋਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ, ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਟਕਾਰ ਪਾਈ ਉਹ ਭੰਨ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ, ਉਹ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ,
मनुख की जिंदगी का लैण देन रोज चलता है, पर हर लैण देन वाले पैमाने असी अपने कोल नहीं रखते। लिक्विड चीज़ों आप लीटर के हिसाब न मिल लें, लम्बी चीज़ों असी मीटर मिल लें, भारिया चीज़ों असी बाई वेट मिल लें, उन्हां दा तोल कर लें। मनुख ने ना कदे नाल बट्टे रखे, ना कदे अपने नाल तुसी देखो कदे मीटर रखिया, ना कदे मनुख ने अपने नाल लीटर रखिया, कुछ भी नहीं। पर मनुख ने हर वक्त समय नू नापण वाली घड़ी अपने कोल रखी है। घड़ी ते अपने ते भी विश्वास नहीं करदा, इहदे फोन च घड़ी, इहदे बैडरूम च घड़ी, इहदे बाथरूम च घड़ी, इहदे जिम च घड़ी, इहदी गड्डी च घड़ी, किहड़ा चीज है जिथे घड़ी नहीं है। ताकि मनुख नू समय की संभाल करनी आ जाए। और बदकिस्मती है, बदकिस्मती है, इन्नी थां ते घड़ी होने के बावजूद भी घड़ी जिंदगी दी एक भी नहीं संभाल सकिया, एक घड़ी भी नहीं संभाल सकिया। एक भाई गुरदास जी का बोल कह के मैं गल अगे तोरनी है। ऐसा बड़ी प्यारी विचार आखते ने भाई साहब, आखते ने कहिंदे, जैसे बोझ भरी नाभ उंगरी दो बाहर रहे, पार परे पूर सबे कुशल बिहात है। जैसे एकाहारी एक करी बैठ पाक साल, भोजन कै बिंजन स्वाद कै अगात है। जैसे राज द्वार जाए करत जुहार जन, एक करी पाछे देश भोगता बैखात है। आठ की पहर साठ करी में जो एक करी, साध समागम करे निज कर जात है। ये अर्थ ने कहिंदे बेड़ी का बहुता गिस्सा पानी च डुबिया रहिंदा, सिर्फ दो चार उंगलों उत्ते रहिंदा, इन्नी गल नाल ही पार हो जाता है। दूजी उदाहरण कहिंदे, बंदा एक बारी बैठ के छक लैंदा प्रशादा पानी, पर लंबे समय लई ताकत हासिल कर लैंदा। एक जाके मंत्री राजे दे दरबार सलाम करदा है, सलाम करके अपने कम्मां कारां च लग जांदा है, एक घड़ी पिछे उन्हूं किन्नियां सुख सहूलतां ने। कहिंदे बंदिया, अठ ही पहर सठां घड़ियां चों एक घड़ी भी कितें गुरु चरणां विच बता देवें, बहुत महंगी विकेगी उह घड़ी। कबीर, एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं ते आदि भगतन सेती गोस्ते, जो कीने सो लाभ। बंदा तो एडा भुलेखे विच है, दुनिया च कोई घाटा पवे बंदा कुरला उठता, रोंदा है, पिटदा है, मैनू घाटा पै गया। पर मैं वेख्या बंदे नू जदों उम्र का घाटा पैंदा है, फेसबुक ते लिख दिंदा जिंदगी दे एक साल होर बीत गया, फेसबुक ते लिख दिंदा कोई लिखना सौखा है। एक ते घाटा पै गया एक साल का, दूजा भंगड़े पा रहा है, इहनू परवाह ही कोई नहीं भी मैं किन्ना कुछ बर्बाद कर बैठा होया। जननी जनत सुत वड्डा होत है, इतना कूना जाने के दिन दिन अवध घटत है। मैं बाकी पक्ष तुहाडे नाल सांझे करा, उस ते नवां साल चढ़ना है मना, जिस दिन गुरु कोल आके जीवन बदला लिया। गुरु बदला सकदा है, गुरु कोले ताकत है। सतगुरु गुरु अंगद साहब जी के चरणों में एक चौधरी आया, भी तीह बंदे नाल ने मत्था टेकिया, सतगुरु बड़ी जिंदगी नरक बनी हुई है। साहब कहिंदे क्यों? कहन लगे मैनू मिर्गी का दौरा पैंदा है, कई बारी उच्चियां थावां ते बैठा फैसले कर रहा हुंदा, इन्ने लोकां दे दौरा पै जांदा, थले डिग पैंदा, जिस पग नूं लोकी सलामा करदे ने किसी दे पैरां च जा डिगदी है। हजूर कहन लगे, भलिया एक काम कर, करदा की हुन्ना, की खांदा पीना, शराब पीना? कहन लगे हाँ। कहिंदे शराब छड़ दे, मिर्गी तैनू छड़ जाएगी, इहदे कारण ही है। कृपा होई मालक दी,
जो बात दुआ से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामल मिलता है तब बात खुदा से होती है। रहमत हुई मालिक दी, उन्हें शराब छड़ दिती ते उन्हें मिर्गी छड़ गई। कोई दो तीन साल लंघे ते मनुख जेड़ा है वो कुदरती सुभा है मनुख दा, जदों कोई दात प्राप्त कर लेंदा है, जदों कोई दात प्राप्त कर लेंदा है ते उदों की वो परेशान हो जांदा है, फिर उस गल नूं बख्शिश नूं भुल जांदा है। यकीन करके जाणियो भुल गया मलूका चौधरी भी। शाम दा वक्त बनिया, शराब पी के कोठे चढ़ के उच्ची उच्ची कहन लग पिया, कहिंदा कमाल है मैं एवें गुरु दे मगर लग गया सी, मैं एवें गुरु दे मगर लग गया सी, किड्डा सोहना जिंदगी दी मौज मेला ते मैं किहड़े कम्मां च लग गया। शराब पी ली आपे तो बाहर हो गया, कोठे ते चढ़ के अबा तबा बोल रहा सी, नहीं संभाल सकिया, डिग पिया, मर गया। जदों जिंदगी दा अंत कर लिया उदों पछताया, मना किते गुरु दी गल मानी लेंदे। इहो जिहियां अणगिणत साखियां नाल इतिहास भरिया पिया। जिस दिन बदला लिया कीमत उस दिन पैनी है, जे ना बदलाया कीमत नहीं पैनी, कीमत नहीं पैनी। भाई मंझ किड्डा वड्डा चौधरी है, किन्ना समा लग गया, पर यकीन करके जाणियो वो इतिहास का अंग नहीं सी बन सकता। अज गुरु ने मान नाल कहिंदे ने, मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहिता जग लंघन हारा। मंझ मत्था टेक के आया तीर दे ते जांदा जांदा सोचदा भी अमृतसर रात कट लईए, नाले लंगर प्रशादा पानी छक लांगे, ते नाले गुरु अर्जन पातशाह दी बड़ी महिमा सुनी ते नाले दर्शन कर लांगे। लंगर प्रशादा पानी छक के ते दूजे दिन आया, गुरु दे चरणां विच मत्था टेकिया, सतगुरु दे दर ते आके मत्था टेक के सह पुछण लगे भी कित्थों आए हो। कहन लगे बई मैं पीर दे मत्था टेक के आया। सतगुरु कहिंदे पीर की कहिंदा सी, ओ कहिंदे सतगुरु उन्हें की कहना, उन्हें तो मरे नूं किन्ना चिर हो गया, उहदी तां समाध है। साहब कहन लगे मैं पहली बारी वेख्या भी अजीब कहानी, मरिया बंदियां तो जीवन की जाच सीखते हो, मरिया होयां कोलों जीवन की जाच सीखते हो, जिहड़ा खुद ही मर गया तुहानूं जीवन जाच की सिखाएगा। कोई उहदा मंत्र, कोई उहदा वेद, कोई उहदा ग्रंथ तू सुणिया पढ़िया? कहिंदा नहीं। मन विच ठोकर वज गई, गुरु दे चरणां च जुड़ गया। ओ भाई मंझ यकीन करके जाने हो, सतगुरु नूं कहन लगा फिर अपनी सिक्खी दे दे। साहब कहिंदे इवें नहीं मिलदी सिक्खी, ते सिक्खी नहीं टिकदी। कहन लग्या की करना होएगा? कहिंदे जिहड़ियां घर च कबरां बणियां उहनूं ढा के आ, मत्था टेक दिता दातिया, घर दियां कबरां मैं ढा देंगा, जिहड़ियां मेरे दिल च बणियां ने उह तूं ढा दई। गुरु ने कृपा की, घर दियां कबरां ओ ढा के आ गया, ते नगर वाले सारिया ने उन्हूं कढ दिता भी अज तो बाद तू साडा कुछ नहीं लगता। हुण गुरु दिल दियां कबरां ढाउण लगा है। जदों नगर महल्ले ने पिंडां वालिया ने 72 पिंडां दा चौधरी सी, 72 पिंडां दी पंचायत उत्ते मुखिया सी, लोकां ने साथ छड दिता, नौकर चाकर सारे छड के चले गए, कारोबार ठप हो गया। 5-7 सालां च इहो जी कंडीशन बन गई। अज घरवाली नूं कहिंदा भलीए प्रशादा, अखां भर के कहन लगी प्रशादा है नहीं। आ है जीवन, प्रशादा है नहीं। कहन लगे की होया? कहन लगी कई दिन हो गए आटा उधार लेके सार रही सा, हुण ते गुआंढियां ने भी उधार नहीं दिता। कहन लगे तुहाडे नाल साडा मिलवर्तन नहीं है। कहन लगे कोई गल नहीं, अखां ना गिल्लियां कर,
शाम नूं प्रशादा बन जाएगा। 72 पिंडां दा चौधरी मेरे वर्गा सोचदा मैं कथा करदा दाल दी बाल्टी चुकन लग्या 100 वारी सोचना। 72 पिंडां दा चौधरी अज घर तो चादर लेके निकले है, जाके घा खुरच के किसे दे खेत विच भी नहीं बढ़िया, राहां विचों घा खोज के घा मंडी विच बेच के जड़े दो पैसे मिले उहदा आटा लेके रात नूं आके जदों रोटी खाण लगा हुण घर वाली खुश है पर भाई मंज दियां अखां च पानी है। पुछण लगी साइयां हत्थां च दर्द हुंदा है ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਰ ਸਵਾਦ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਦਾਤਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਧਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਉਸ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸਾ ਤੂੰ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹੇ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਮਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 24 ਸਾਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ, 24 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ? ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 24 ਸਾਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਜਟਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਐਸਾ ਬਦਲਿਆ, 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ? ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਕੱਚ ਤੋਂ ਕੰਚਨ, ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਬਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਲੋਇਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ, ਕਾਠੋ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਰ ਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਾਸ਼ ਪਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ
बचन मैं तो तुहाडे कन तक ही पहुँचा सकदा, इस तों अगे मेरी समर्था नहीं। गुरु नूं कहो सच्चे पातशाह जी बचन कन तक नहीं मेरे मन तक पहुँचा दे। गुरु नूं कहो जे एक कह के सुनियो जे बचन भाई गुरदास जी का, तो सोना नाथ अनाथ नमोसर, तो सोना दानी नमोसो भिखारी, तेरे वर्गा नाथ कोई नहीं, मेरे वर्गा अनाथ कोई नहीं, तेरे वर्गा दानी कोई नहीं, मेरे वर्गा भिखारी कोई नहीं। कादी पड़चोल करनी है, मोसो ना दीन दयाल ना तोसर, मोसो अज्ञान ना तोसो बिचारी, मेरे वर्गा अज्ञानी कोई नहीं जड़ा थां थां ते हमें चलाकियां करी जाने, तेरे वर्गा विचारवान कोई नहीं। मोसो ना पत्तत मेरे वर्गा पत्तत कोई नहीं जड़ा धर्म दे राते जांदी है सैकड़े वारी डोल जाने, मोसो ना पत्तत पावन ना तोसर तेरे वर्गा पवित्र करने वाला कोई नहीं, मोसो भिखारी ना तोसो उपकारी, मोसो भिखारी ना तोसो उपकारी, मेरे वर्गा भिखारी कोई नहीं, तेरे वर्गा पर उपकार करने वाला कोई नहीं। आखिर ते गल नबेड़ दित्ती, मेरे हैं अवगुण तुम गुण सागर, मेरे हैं अवगुण कबूल कर लो मना बदल जाएगा, कबूल कर ले, मेरे हैं अवगुण तू गुण सागर, जातर सातल ओट तिहारी, मैं ता अंधकार बिच तुरिया फिरना मालक जी, एक तेरी ओट है कर कृपा, मेरी बाँह पकड़ मेरा जीवन बदला। अंदरों मैं नहीं अपने आप नूं बदल सकदा, तेरी रहमत होवे तेरी बख्शिश होवे तां मैं बदल सकना है। आखरी गाथा कह के समाप्ति वाले पासे नूं आवां। बहुत बारी अर्ज करना प्रोफेसर पूरन सिंह, बहुत स्याणा दाना अलबेला सिख जगत ने उन्हू अलबेला लिखारी लिखिया बेपरवा, साइंटिस्ट भी सी बहुत बड़ा, आ जिहड़ी शूगर नू वाइट करन दा कैमिकल है ये प्रोफेसर पूरन सिंह ने बनाया सी, एक कणक की काढ़ कढ़ी सी वह वक्री है। ओ प्रोफेसर पूरन सिंह उची विद्या लैण वास्ते जापान चले गए, जापान जाके उठे किसी सन्यासी के प्रभाव थले आ गए, उठे अठ दस साल पढ़े ते पढ़न तो बाद विच जदों वापस आए उदों अज वर्गे फोन नहीं सी हुंदे, चिट्ठियां हुंदियां सी, मां नूं चिट्ठी पाई, मां अपने पुत नूं उत्थों ही लैन गई जिथे टांगे ते चढ़ा के आई सी। जदों मां उत्थे खलोती ते प्रोफेसर पूरन सिंह उतरे टांगे तों ते उहने मां दे पैरी हथ लाया, मां कदे सज्जे वेखदी है कदे खब्बे वेखदी है, ओ फिर उहनूं कहिंदा मां मैं पूर्ण, कहिंदी पुत किसी मां की भावना नाल खिलवाड़ नहीं करीदा, मां नूं मां की ममता नाल मखौल नहीं करीदा। मेरे पूर्ण ने अज आना है तेरे वांगू टांगे तो उतरेगा, वह भी कहन लगे मां तू भुल गई मैं वह पूर्ण है, कहन लगी तू पूर्ण नहीं हो सकता, तू पूर्ण नहीं हो सकता, कहना मां मैं हूं पूर्ण है। मां को खलोता ना गया धरती ते बैठ गई, बहुत रोई बहुत रोई, जिन्ना उबाल सी सारा अखां राही वह तुरिया,
रज के रो के दुपट्टा गिला कर लिया। उठन लगी है, उठिया नहीं गया। प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने बांह पकड़नी चाही, उन्हें एक झटका दे के बांह छड़ाली, कहिंदे डिगे हुए किसे नूं की उठा सकदे ने, जिहड़े आपे डिगे होण किसे नूं की उठाउणा उहनां, रहण दे तूं। ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਐਡਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਰੋਈ, ਤੇਰੇ ਐਡੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਰੋਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਗਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੁਰਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੋਣਾ ਬੇਦਰਦੀ ਆ, ਜਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਆਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਬੋਝੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਅਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੋਲਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਵਿਸਰੀ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਝੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ, ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਬੀ ਬੋਝੇ 'ਚ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਡਰੂਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਆ।
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਦਲੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਵਾਇਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਦਲ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਧਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘਾ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਤੁਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ, ਮਾਂ ਜਿਸ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਈ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਸਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋਵੀਂ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਵਾਂਗਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਰ ਗਈ। ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਪਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗਣ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਦਾਤਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ 22 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।